व्हाट्सअप कैसे हो मेरे दोस्तों, मजा मत। चलो अच्छी बात है, उसी बात पे हम लोग आए हैं पुणे में। आप देख सकते हो मेरे पीछे है क्रिकेट का स्टेडियम। खेलने नहीं आए और अलाउ भी नहीं कर रहे यार अंदर जाने के लिए। कोई क्रिकेटर शायद से हो सकता है उधर पीछे, मालूम नहीं। मेरे को क्रिकेट का इतना नॉलेज भी नहीं है और मजा भी नहीं आता। आप लोग ले लेना आईपीएल का मजा। पर उसके साथ साथ हम लोग इधर क्यों आए हैं पुणे में, ये बाइक चेकआउट करने की, पल्सर की, सबसे नई 2024 की पल्सर N250। इसके बारे में बहुत ही डिफरेंसेस क्या आने वाले हैं, क्या है 2024 के बाइक में, कितने से प्राइस बढ़ गया है, क्या चेंजेस किए हैं मोटरसाइकिल को, सब कुछ आपको पता चलेगा ये वीडियो में। तो पूरा वीडियो जरूर से देखना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हम लोग के चैनल को तो अभी जाके सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। और नया इंस्टा पेज है यार, जाके उस पर फॉलो करो, बहुत जन ने चालू कर दिया, आप भी कर देना। NRS इंडिया बंद हो चुका है, वो उसके ऊपर मैं एक्टिव नहीं हूँ। ये नया आईडी है मेरा, नेविल बाइकर, प्लीज़ जाके उसको फॉलो कर देना। अभी डिस्क्रिप्शन में भी ऑलवेज होता है और अभी फ्लैश भी हो रहा है ऊपर, तो जाके वो भी चेकआउट कर देना। तो पहले ये पल्सर N250 के अंदर इनडेप जाने के पहले मैं आपको बोलता हूँ पल्सर के बारे में। पल्सर में भी तीन इसमें जनरेशन आते हैं, एक है आपका क्लासिक जनरेशन, दूसरा आता है एन जनरेशन और तीसरा आता है NS। एन और NS के बीच में क्या डिफरेंस है, एन इज़ फॉर द नेकेड जो और वर्सेटाइल है, NS इज मोर स्पोर्ट्स ओरिएंटेड, नेकेड स्पोर्ट्स ओरिएंटेड उसके लिए NS है। वो हो गया पल्सर के बारे में, अभी जाते हैं इसके बारे में। ये नई जो 2024 पल्सर N250 है वो आती है 24.5 PS ऑफ पावर विथ 21.5 NM न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। थोड़ी टॉक ही कर दी है, अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल बाइक है मैं बोल सकता हूँ। पर थोड़े वाइब्रेशंस पता चल रहे थे व्हेन वी वर कमिंग टू दिस लोकेशन टू शूट, पर और चेकआउट करेंगे मोटो व्लॉग के सेटअप में, तो तभी भी आप पूरा उसके लिए बोल रहा हूँ पूरा वीडियो देखना। अगर आप फ्रंट में आ जाओगे तो उसके साथ साथ अगर देखोगे यू हैव योर LED DRL ओवर हियर विथ योर LED ओवर हियर। नया क्या आया है, एक और एक चेंज इज योर अपसाइड डाउन फोक्स, ये रेड कलर में है, उसके लिए दिया है इन शैम्पेन कलर मोटरसाइकिल रेड कलर में। तो यह अपसाइड डाउन फोक्स आ गया विथ योर फ्रंट टायर्स एज 110x70 17 इंच अलॉय व्हील्स, और उसके साथ साथ आता है ड्यूल चैनल ABS। ABS अभी आपको क्या बोल रहा हूँ गौर से सुनिएगा, इसमें राइडिंग मोड्स नहीं आते, ABS मोड्स आते हैं। हाँ आपने सही सुना है, ABS मोड। आई थिंक ये बहुत यूनिक चीज़ निकाला है जो पल्सर ने निकाला है। ABS मोड में तीन मोड्स आते हैं, ये आपका रोड मोड, रेन मोड, साथ साथ आपका ऑफ रोडिंग मोड। अभी आप बोलोगे ये ऑफ रोडिंग तो मोटरसाइकिल है ही नहीं, तो ऑफ रोडिंग करके क्या फ़ायदा, नहीं आपको ऑफ रोडिंग के लिए एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। आपको मुंबई के रोज या फिर महाराष्ट्र के रोज या फिर इंडिया के रोज मैं बोल रहा हूँ ऑफ रोडिंग के बराबर ही तो है, तो उसके लिए भी आपको काम आएगा। उसके भी डेमो आपको दिखाऊंगा यही वीडियो में। आप साथ में पीछे आ जाओगे तो आपको पीछे भी दिखा देता हूँ। ये एक और चेंज किया गया है, जो पहला चेंज था वो आपका अपसाइड डाउन फॉक्स था। सेकंड चेंज है रियर टायर में, पहले आता था 130N साइज का टायर, अभी आता है 140x17। रिम साइज रिमेन्स द सेम एज 17, तो द टायर साइज बढ़ा दिया है, तो आपको बेटर ग्रिप दे सकता है ड्यूरिंग कॉर्नरिंग ऑल्सो और कॉन्फिडेंस भी टू अ राइडर। तीसरा चीज आपको इंजन का साउंड सुनाता हूँ, तो वो भी गौर से सुनिएगा। गाड़ी फर्स्ट में है तो न्यूट्रल में डाल देते हैं और साइड स्टैंड नीचे है। इंजन का ग्रंथ सुनिएगा, बहुत ही अच्छा सा बेस दिया गया है टू दिस मोटरसाइकिल फॉर अ सिंगल सिलेंडर। आपने अगर बराबर से नहीं सुना है तो मैं स्टार्ट करके भी सुनाता हूँ, स्टार्टिंग का भी साउंड जो आ रहा है वो बहुत ही अलग सा आ रहा है। ये आइडियल में भी बहुत अच्छे से आई कुछ से साउंड हो रही है, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल राइट नाउ इन द मार्केट। तो एक और चेंज जो दिया गया है नई 2024 N250 में वो है ये ग्राफिक्स, नए से ग्राफिक्स दिए गए हैं। ये भी बहुत एरोडायनेमिक दिख रहा है, ये इसका जो मैं बोल सकता हूँ फेंडर दिया है, स्मॉल फेंडर या फिर हाफ फेंडर बोल सकते हैं। ये देखिए एक्चुअल कट्स नहीं है, विनलेट्स नहीं है, पर वो डिज़ाइन दिया गया है। उसके साथ साथ ये देखोगे पल्सर जो लिखा गया है वो अच्छे से ग्लॉस ग्रे फिनिश में दिया गया है। ये टैंक आती है 14 लीटर्स ऑफ फ्यूल कैपेसिटी के साथ साथ। अगर ये ग्लॉस मैट फिनिश दिया है तो ग्लॉस ग्रे फिनिश दिया है तो ये आती है मैट फिनिश में ग्रे कलर का। बजाज का इंजन जो लेआउट है उसके साथ साथ बजाज का स्टिकर स्टिक किया उसके ऊपर, और कुछ नहीं है। तो ये है आपका मास्टर सिलेंडर फॉर द फ्रंट ब्रेक,
विच इज लाइक रेगुलर बाइक्स। पीछे का ब्रेक्स का जो मास्टर सिलेंडर है वो ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा प्रीमियमनेस दिख रहा है, यू कैन सी द ऑयल लेवल एंड ऑल दैट। दैट इज अ गुड टच विच दे हैव गिवन टू द बजाज पल्सर N250। साथ साथ अगर ये सीट देखोगे तो बहुत ही स्पोर्टी है, स्प्लिट सीट दिया गया है, गुड ग्रैब हैंडल्स भी दिया गया है, नाइस एंड फर्म ग्रैब हैंडल्स है। उसके साथ साथ कुशनिंग मेरे को थोड़ा कम लग रहा है, पैडिंग कम लग रहा है। एंड जब भी हम लोग राइड भी कर रहे थे ना, तो मैं जैसे आपको राइडिंग के टाइम पे भी बोल रहा था, थोड़ा वाइब्रेशंस पता चल रहा है आफ्टर अ 5000 RPM, आफ्टर इट क्रॉसेस 5000 RPM। साथ में आप टेल सेक्शन अगर देखोगे तो यूनिक सा टेल सेक्शन दिया गया है। यू सी दीज LED लाइट्स, दे हैव अ उल्टा हॉर्न बोलते हैं ना, उल्टा हॉर्न शेप में दिया गया, वो अलग है। साथ में ये आपके जो टर्न इंडिकेटर्स, रियर टर्न इंडिकेटर्स, वो भी है LED में। ये आप देख सकते हो टायर हगर दिया गया है, तो नथिंग स्प्लैशेज अप एंड दे हैव केप्ट दिस शॉर्ट। सो ये एक चीज़ अच्छी दिख रही है। अगर ये साइड आ जाओगे तो आपको दिखाऊंगा सारी गार्ड, जो आज के ज़माने में इतना लोग नहीं रखते हैं, बट बाइक को मुंबई में रजिस्टर करने के लिए यू हैव टू हैव अ सारी गार्ड ऑन इट। तो उसके लिए, बिकॉज दे आर टू सीटर्स, उसके लिए आपको सारी गार्ड आता है, यू कैन टेक इट ऑफ ऑल्सो। चेन गार्ड भी आता है, नाइस, बट दिस इज अगेन अ प्लास्टिक फिनिश, एज यू कैन योर प्लास्टिक फिनिश चेन गार्ड आता है। साथ में अगर वो साइड आपको इंजन का कवर दिखाया था, तो ये साइड भी आपको दिखा रहा हूँ, मैट ग्रे कलर का इंजन कवर। अगेन दीज आर योर स्टिकर्स, सो इट विल बी पील्ड ऑफ आफ्टर सम टाइम, आई एम नॉट श्योर, आई कैन गारंटी यू। गर्म होने के बाद कुछ चीज़ें चिपकती भी है, गम भी चिपकता है, तो आई कैन कमेंट ऑन दैट। पल्सर N250 का ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm, और साथ साथ मैं हूँ 5'7" मेरी हाइट, और साथ में देखते हैं फॉर अ राइडर माई हाइट बहुत ही कंफर्टेबल, फ्लैट फुट हो रहा है, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनफैक्ट दोनों भी पैर फ्लैट फुट हो रहे हैं, वो एक चीज़ अच्छा दिया गया है ये बाइक के बारे में। अगर आप थोड़े पास आ जाओगे मेरे, तो आपको एक और चीज़ दिखाना है मुझे, ये जो इसके लेआउट्स है ऑफ दिस बटन्स, आई वुड से ये आपका क्विल स्विच है, पर ये थोड़ा, ये देखिए थोड़ा प्ले है सब जगह में, इधर भी थोड़ा प्ले है। दैट इज़ वन थिंग वॉट बजाज हैज़ टू इम्प्रोवाइज ऑन, आई वुड से उनका फिट एंड फिनिश पे बहुत इम्प्रोवाइजेशन करना है आपको। इधर से इग्निशन दे सकते हो, आप इग्निशन दे सकते हो, इधर आपका पास लाइट है, साथ में साथ ये अगर आपने ये साइड का बटन देखा है, तो इधर आपका हाई बीम लो बीम का बटन है, और ये भी स्क्रीन अगर हाई बीम में डालोगे तो थोड़ा डल हो जाता है। एंड दिस, ये स्क्रीन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, अभी सीरियसली आपको इसके बारे में भी इनडेप्थ बताऊंगा। साथ में साथ ये जो बटन देख रहे हो ग्रे कलर का, इधर MQD है, मोड के हिसाब से तो नहीं है, बट यही बटन से सब कुछ फीचर होता है बाइक का। आप बोल सकते हो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बोल सकते हो, मोड्स चेंजिंग बोल सकते हो, बहुत कुछ यही एक बटन से होता है। साथ में साथ ये आपका टर्न इंडिकेटर्स आ गए है, और ये आपका हॉर्न है। और एक और चीज़ मैं बोलूँ फिट एंड फिनिश के मामले में आऊँ, तो ये आप देख सकते हो, ये देखिए ये पंखे की तरह घूम रहा है, ये घूमना नहीं चाहिए, ये ही तो मैं बात कर रहा हूँ व्हेन आई से फिट एंड फिनिश बजाज। ये थोड़े थोड़े चीज़ आप फीचर्स में तो आना चालू हो गए, पर ये थोड़े थोड़े चीज़ आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज अगर कोई भी टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहा है और ये चीज़ देखेगा फॉर अ न्यू बाइक ओनली, तो वो थोड़ा अपसेट हो जाएगा। तो इसमें राइडिंग मोड्स तो नहीं आते, पर ABS मोड ज़रूर से आता है, और मेरे हिसाब से पल्सर बजाज के जो इधर ऑफिशियल्स है उन लोग बोल रहे हैं कि ये जो इधर है, इधर टेस्ट राइड करके देखना आफ्टर चेंजिंग दी ABS मोड टू ऑफ रोडिंग मोड, तो वो डाल के देखते हैं, वो भी दिखा देता हूँ। ये जो बटन है इधर ग्रे कलर का, उसको डबल टैप किया तो आपका रेन मोड एंड ऑफ रोडिंग मोड इधर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो। तो अभी जाके देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें। इट्स एक्टिंग वेरी वेल, जहां आप देख सकते हो इतने ग्रेवल में भी इट इज गिविंग यू अ गुड कॉन्फिडेंस टू अवर राइड। इफ यू सी, मैं रोलिंग पे जाने दे रहा हूँ, थोड़ा स्लोप भी है नो डाउट इधर, बट रोलिंग पे भी जाने दे रहा हूँ, एंड इट्स क्रूजिंग वेल इन द फर्स्ट गियर। अगर मैं एक्सल नहीं भी दूँ, बेस्ट पार्ट जो है इसके बारे में वो है इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स, बहुत ही स्मूथ है। ये राइड बाय वायर नहीं है तो भी बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। पर यस, देर इज़ अ लिटिल प्ले, आप जैसे देख सकते हो इधर थोड़ा प्ले है, पर अदरवाइज द रिस्पॉन्स इज सो स्मूथ, मतलब बटर स्मूथ बोलते हैं ना एक्चुअली। ये
फाइनेस्ट पल्सर हो सकती है, स्मूथेस्ट पल्सर हो सकती है इन एक्सेलरेशन। ऑफ हो गया, देख इधर साइन भी आ रही है, आई डोंट नो आपको कितना विजिबल है, तो इधर साइन भी आ गया है MTC ऑफ। वापस चालू करने के लिए भी सेम है, रुको ये देखते हैं। सस्पेंशन सेटअप थोड़ा हार्ड है, मेरे हिसाब से सॉफ्ट हो सकता था बिकॉज दिस इज अ सिटी ओरिएंटेड बाइक। ये ऑफ करते हैं अभी, ट्रैक्शन कंट्रोल, कीप प्रेस वापस से लिखा आ रहा है और रिलीज लिखा है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो गया, देख सकते हो लाइट भी गई। तो इजी है टू यूज़, बट ये बटन जो है, ये स्विच जो है, वो यूज टू होने में आपको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि एक ही स्विच पे सब फीचर्स है। तो टॉगलिंग करने के लिए और ABS मोड चेंज करने के लिए और वो सब बहुत ही यूज टू और डिफ़िकल्ट होता है अगर आपको एक दो चीज़ साथ में यूज़ करना है तो। और बजाज ने ऑफ रोडिंग मोड क्यों दिया है ABS के लिए, यही सब रास्तों के लिए दिया हुआ है, तो डाल देते हैं। रेन मोड और ऑफ रोडिंग मोड देख सकते हो चेंज हो गया ऑफ रोड मोड, तो यही सब ऑफ रोडिंग मोड फॉर द ABS दिया गया है। एंड ब्रेकिंग आसान हो जा रहा है, कॉन्फिडेंस है, इतना लॉक नहीं हो रहा है, ABS इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन ड्यूरिंग दोज टाइम। तो वापस डाल देते रोड मोड में। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो फीचर है ABS का जो मोड चेंज हो रहा है वो कोई भी स्पीड पे आप कर सकते हो, फ्रॉम रोड टू रेन या फिर रेन टू रोड या फिर ऑफ रोडिंग टू रोड। बट अगर आपको रेन टू ऑफ रोड जाना है तो यू हैव टू बी बिलो द स्पीड ऑफ 20 km/h, तो ही आप ये रेन से ऑफ रोडिंग मोड कर सकते हो। 5000 RPM के बाद ना दोनों राइडर और पिलियन को बोल सकते हैं कि ये पता चल रहा है अपना वाइब्रेशन बहुत पता चल रहा है इन द मोटरसाइकिल। देख सकते हो मैं 5000 के ऊपर गया हूँ, सीट के अंदर से और पैर पे एक्चुअली भी बहुत वाइब्रेशन पता चल रहा है। आफ्टर अ लॉन्गर रन यू विल माइट बी इरिटेटेड विद दिस वाइब्रेशन, क्योंकि पैर पे तो मतलब मजबूत वाला है, साथ में साथ बम्प पे भी है, कुशन के इधर से भी आपका वाइब्रेशन आफ्टर 5000 RPM। तो आई वुड से दैट इज वेयर बजाज शुड इम्प्रूव फॉर दिस N250 पल्सर ऑफ देयर्स। ब्रेकिंग भी अच्छा है पर इंजन ब्रेकिंग साथ में करना पड़ा, इसको बोलते हैं इंजन ब्रेकिंग, तो ही आप स्लो आ सकते थे फॉर द स्पीड ब्रेकर जो था। ये गई अभी 113 km/h 5th gear में। तो आप लोग के लिए लोकेशन चेंज करना पड़ा बिकॉज इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो क्लियर दिखना चाहिए ना। ये देखिए मैं चालू करता हूँ, नज़दीक आ जाइए, चालू करके भी ग्राफिक्स अच्छे है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, ये कुछ अलग सा अच्छा सा दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। आपके इधर RPM काउंट आ गया, इधर फ्यूल गेज आ गया, न्यूट्रल का साइन आ गया। इफ़ आई पुट द इग्निशन ऑफ तो ये चला जाता है, व्हेन यू पुट इट डाउन आपको एंड साइन, न्यूट्रल साइन, आपका गियर पता चल जाएगा, ईयर स्पीडोमीटर है, ईयर कितना किलोमीटर्स हुआ है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है पर बहुत कंफ्यूजिंग है बिकॉज बटन एक ही है, ये देख सकते हो। तो बटन यही है ग्रे कलर का और कुछ नहीं है, आपके इवन ब्लूटूथ के लिए भी सब कुछ यहाँ से ही है और एक ही बटन है। तो अभी देख सकते हो, तो रोड मोड में हूँ मैं, लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ तो ये पल्सर विल चेंज एंड इट विल गिव यू अ डेट, यू कैन कीप चेंजिंग योर डेट। आई अगेन प्रेस इट लॉन्ग होल्ड और वो निकल जाता है, देन कीप प्रेसिंग इट, वन बटन, ये आपका एंटर फॉर सेटिंग्स, सो अगेन कीप इट प्रेस, सो व्हेन आई कीप इट प्रेस ब्लूटूथ का एक्सेस और वो सब आ जाएगा। अगेन वन प्रेस एंड गो आउट, अगेन सिलेक्ट लॉक, आपका ये सब आ रहा है। मैं एग्जिट का भी यू हैव टू अगेन होल्ड इट, ये सब कुछ एक ही बटन से हो रहा है, आप जैसे देख रहे हो एक ही बटन से सब कुछ हो रहा है। वापस ये देखोगे तो मैं ये दो बार प्रेस किया तो ये रोड से रेन हो गया, और दो बार प्रेस किया तो आपका ऑफ रोड आ गया। अभी ऑफ रोड में ही यू विल गेट दिस फीचर ऑफ आई वुड से ट्रैक्शन कंट्रोल, जो आपको वापस इधर दिखेगा। आई एम नॉट श्योर व्हाई इट्स नॉट शिफ्टिंग, ये देख सकते हो एक शिफ्ट हुआ, यस ये ट्रैक्शन कंट्रोल आपको सिर्फ फीचर दिखेगा ओनली एंड ओनली व्हेन you are in your off-road mode. Again, if I shift it to your mode again, road mode, that option will go away. तो बहुत ही informative है ये cluster, but बहुत ही छोटा है,
फॉर सो मच इन्फॉर्मेशन, बाइक का इन्फॉर्मेशन का, कॉल का, एसएमएस अलर्ट का, नेविगेशन का, ट्रैक्शन कंट्रोल, सब कुछ इतने छोटे से स्क्रीन में दिया, थोड़ा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा क्रैम्प्ड अप लग रहा है फॉर अ राइडर. एंड फॉर अ राइडर टू गेट यूज टू दिस स्विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सब फीचर्स एक ही बटन पे दिया गया है. बजाज थोड़ा तो एक और बटन दे देते तो कितना खर्चा होता, वो एक चीज़ आपको देखना चाहिए था. फॉर अ राइडर टू हैव अ सीमलेस ट्रैवल व्हेन ही इज ट्रैवलिंग. ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ साथ ये देखोगे तो आपका फ़ोन चार्जिंग भी दिया गया है, यूएसबी पोर्ट है इधर दिया गया है, तो आप आपका अगर कुछ माउंट करना चाहते हो तो आप इधर माउंट करके वायर इधर से आप ले सकते हो, विच इज ऑल्सो काइंड कन्वीनियंट. पर वो देखना पड़ेगा कि इट शुडंट स्पॉइल योर मोबाइल बिकॉज इन द वे इट इज़ गिवन. और ये इतना हार्ड है कि आप सुन सकते हो इसका आवाज़ कितना हार्ड है, तो शायद से आपका मोबाइल का वायर कुछ टाइम के बाद उसका जो सॉकेट आता है वो ख़राब नहीं करना चाहिए. सो ये बजाज पल्सर की N250 के कॉम्पिटिशन कौन है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन है. खुद का NS200 भी आता है, उसके बाद है आपकी TVS की अपाचे RTR 200, MT15 भी आती है, ड्यूक की 200 आती है, हॉर्नेट 2.0 आती है, सुजुकी की भी जिक्सर 250 आती है, बहुत सारी है. पर ये मैं बोल सकता हूँ सबसे चीपेस्ट नहीं है, सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव भी नहीं है, मिड में बैठती है एट 1.51 लाख एक्स शोरूम दिल्ली. पर इट इज़ द मोस्ट फीचरिस्टिक बाइक आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जिसके भी नाम बोले सबसे ज़्यादा फीचर्स है ये आज की 2024 की पल्सर N250. सो पल्सर N250 आती है तीन कलर्स में, फर्स्ट इज योर ब्लैक, बाद में आता है आपका वाइट एंड तीसरा आता है आपका रेड. कलर्स में एक ही चीज़ डिफरेंस जो है वो मेजर डिफरेंस है, वो आपका ब्लैक मोटरसाइकिल के साथ आपको आते हैं ब्लैक कलर के अपसाइड डाउन फोक्स. वहाँ के रेड और वाइट में आप देखोगे तो शैम्पेन कलर के अपसाइड डाउन फॉक्स है. तीनों बाइक में अपसाइड डाउन फॉक्स है पर ये दोनों में शैम्पेन कलर गोल्डन कलर के आते हैं और इसमें आते हैं ब्लैक. आप कमेंट करके बताना आपको कौन सा अच्छा लग रहा है. मेरे हिसाब से आई लाइक द वाइट कलर विद द शैम्पेन, इट लुक्स मच मोर बल्कियर एंड मस्कुलर. तो टू सम अप द मोटरसाइकिल, जो अच्छा है क्या बुरा है क्या चेंजेस है आपने पूरा वीडियो देख लिया है. मेरे को जो अच्छा लगा वो हैंडलिंग था, बटर स्मूथ उसका एक्सेलरेशन था, इसका गियर शिफ्टिंग भी बटर स्मूथ था, बहुत ही अच्छा था. मेरे हिसाब से जो चेंजेस करने पड़े थे वो फिट एंड फिनिश में, जैसे मैंने आपको ये मिरर बोला था, इसका सीट आफ्टर सम टाइम बहुत दुख जाता है तो वो थोड़ा फोमिंग या कुशनिंग करना पड़ता है, नॉट ओनली फॉर द राइडर बट इवन फॉर द पिलियन. वी बोथ फेल्ट कि किधर ना किधर आफ्टर सम टाइम ये दुख रहा था एंड एट द सेम टाइम वाइब्रेशन भी बहुत था बाइक में, तो वो भी एक चीज़ आई डिडंट लाइक अबाउट दिस बाइक. बट अदरवाइज स्पॉटियर, वेरी गुड लुकिंग बाइक एंड ओनली अ प्रीमियम ऑफ 851 रुपीज़. हाँ सही सुना, 851 रुपीज़ ओवर दी ऑन गोइंग मॉडल था, इससे ज़्यादा नहीं किया गया है. इसका एक शोरूम है 1.51 लाख एक शोरूम दिल्ली, या तो आपके नियरेस्ट शोरूम में जाके पता करना आपका ऑन रोड प्राइसिंग क्या है. तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, ये बजाज की पल्सर N250 के साथ बहुत ही अलग सी बाइक थी. आप कमेंट करके बताना आपका फेवरेट कलर कौन सा था. टेस्ट राइड के लिए आज हम लोग को सिर्फ ये रेड दिया गया था, पर मेरा फेवरेट कलर जैसे आपने वीडियो के स्टार्ट में भी देखा था कि इट वॉज द वाइट कलर विद द ब्लू एक्सेंट्स एंड योर शैम्पेन कलर फॉक अप्स या फिर अपसाइड डाउन फॉक्स बोल सकता हूँ. मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है ये फॉर सिटी यूज के लिए, हाईवे के लिए मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज ऑफ द कम्फर्ट ऑफ द सीट, वरना आई हैव लाइक्ड इट. 851 रुपीज़, आपको मालूम है यार हिंदी में बोलने नहीं आता है, 850 रुपया प्लस वन, ये मेरा स्टाइल है हिंदी बोलने के लिए, तो उतने में ही आपको एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं, इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं देन द अर्लियर वन जो अभी तक आई वुड से मार्केट में अवेलेबल थी. तो क्या आप परचेज करना चाहोगे ये कमेंट में वो भी बता देना, और प्यार देते रहना हमेशा के ऐसा, मुस्कुराते रहना, हंसते रहना. इट्स अ रैप, टेक केयर, लव यू ऑल.